गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से फाइल के बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोग फाइल के बारे में पढ़ा था कि फाइल क्या है, फाइल कितने प्रकार के होते हैं और फाइल के प्रकार का विवरण ही जाने थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि फाइल को हम लोग बाज़ार से किस तरह से खरीदते हैं और फाइल को किस तरह का शेप में बना होता है और स्पेशल फाइल के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं एक्विजिशन ऑफ फाइल। कोई भी फाइल जब हम बाज़ार में खरीदने जाते हैं तो निम्न बातों का विवरण ही देते हैं, जैसे सबसे पहले किस लेंथ का लेना है तो लेंथ में लिखते हैं 200 mm या 20 cm या 8 इंच। और उसके बाद शेप देखते हैं, किस शेप का हमको लेना है तो फ्लैट शेप है, स्क्वायर है या राउंड है या ट्रेंगुलर। उसके बाद ग्रेड फिर देखते हैं, ग्रेड बताएंगे तभी जाके मिलेगा हमें तो सेकेंड कट है या बास्टर्ड है या स्मूथ है या डेड स्मूथ है। अगला है कट, देखते हैं कि कौन सा कट का हमको लेना है तो सिंगल कट, डबल कट, कर्व कट, इस तरह से। और फिर तो आखिर में कंपनी का नाम देखते हैं, किस कंपनी का हमको लेना है, जैसे हिंदुस्तान का आता है, जेके फाइल्स आता है। इस तरह से हम लोग बाज़ार से कोई भी फाइल खरीदते हैं तो पांच बातों का विवरण ही हमको देना पड़ता है, लेंथ, शेप, ग्रेड, कट एवं कंपनी का नाम, तब जाके हमें सही साइज का या सही आकार का फाइल मिलता है। अब अगला है हम लोग देखते हैं कि फाइल का कन्वेक्सिटी क्या होता है, कन्वेक्सिटी ऑफ फाइल। तो फाइल के फेस बिल्कुल फ्लैट नहीं होते हैं बल्कि बीच से उभरे होते हैं, अर्थात कन्वेक्स होते हैं, जिसे कन्वेक्सिटी ऑफ फाइल कहते हैं। इसे रखने के निम्नलिखित कारण हैं। नंबर एक, यदि फाइल पूरी लंबाई में फ्लैट और सीधी बनाई जाए तो सभी दांतें एक साथ कट पकड़ेगी तथा ताकत भी ज़्यादा लगेगी, जिससे दांत इकट्ठे घिसेंगे। नंबर दो है, यदि फाइल की सतह फ्लैट होगी तो उसके द्वारा फाइल की हुई सतह कॉर्नर से ज़्यादा घिसेंगी और बीच का भाग उठा रह जाएगा, क्योंकि फाइल करते समय दोनों हाथों से दबाव देना बहुत ही कठिन है। नंबर तीन है, फाइल की सतह वैसे भी फ्लैट बनाना मुश्किल होता है, क्योंकि हार्ड एवं टेम्पर करते समय फाइल के वर्टिकल में डुबाया जाता है, जो उसमें थोड़ा सा टेढ़ापन आ ही जाता है और इसे रोका नहीं जा सकता, फिर फाइल किसी काम का नहीं रह जाता है। नेक्स्ट में है, अब है पिनिंग ऑफ फाइल। पिनिंग ऑफ फाइल क्या होता है, जब फाइल को सॉफ्ट मेटल के ऊपर प्रयोग करते हैं तो सॉफ्ट मेटल के कण या कटिंग चिप्स फाइल के दांतों में फंस जाते हैं, जिससे फाइल काम करना बंद कर देते हैं या जॉब के सतह पर स्क्रेच पड़ती है। इस प्रकार से कणों के दांतों का भर जाना ही पिनिंग ऑफ फाइल या क्लॉगिंग ऑफ फाइल कहते हैं। इससे बचने के लिए फाइल के फेस पर चॉक लगा दिया जाता है। फाइल के दांतों से फंसे कटिंग चिप्स को निकालने के लिए वायर ब्रश या स्क्रबर का प्रयोग किया जाता है। काम समाप्त होने पर फाइल के फेस से चॉक ब्रश द्वारा साफ कर लेना चाहिए, अन्यथा जंग लगने का डर रहता है। अगला है फाइल कार्ड। फाइल कार्ड क्या होता है, तो फाइल कार्ड यह एक प्रकार का ब्रश होता है जो पतले परंतु हार्ड वायर का बनाया जाता है। इससे लकड़ी के एक टुकड़े में लगा लिया जाता है, जिससे दूसरे सिरे पर हैंडल होता है। फाइल कार्ड का प्रयोग फाइलिंग करते समय फाइल के टीथ के बीच फंसे छोटे छोटे कण या चिप्स को निकालने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग करते समय फाइल के टीथ के दिशा में ही चलाने चाहिए, अन्यथा ब्रश और फाइल के दांत खराब होने का डर रहता है। नेक्स्ट में है, अब हम देखते हैं सिंगल कट और सेकेंड कट में क्या अंतर होता है। सिंगल कट फाइल की समूची सतह पर पूरी लंबाई में 60 डिग्री से 85 डिग्री के एंगल पर सिंगल अर्थात एक तरफा दांत कटे होते हैं, जबकि सेकेंड कट फाइल की सतह पर पूरी लंबाई में सिंगल या डबल कट किसी भी तरह का टीप कटा हो सकता है। नंबर दो में है, सिंगल कट फाइल की सतह का ग्रेड के अनुसार टीप की संख्या भिन्न भिन्न होती है, परंतु सेकेंड कट फाइल की सतह पर इंच 35
आगे है, सिंगल कट फाइल अधिकांशतः स्मूथ या डेड स्मूथ ग्रेड का होता है, जिससे फिनिशिंग का काम बहुत अच्छा होता है, जबकि सेकेंड कट फाइल स्वयं एक ग्रेड में आता है जिसका प्रयोग मेटल का कम अंश काटकर जॉब को सही साइज में लाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अगला है डबल कट फाइल और सेकेंड कट फाइल में क्या अंतर। हम लोग देखते हैं डबल कट फाइल और सेकेंड कट फाइल का अंतर। डबल कट फाइल की समूची सतह पर पूरी लंबाई में दो तरफा अर्थात डबल डीप कटे होते हैं, जबकि सेकेंड कट फाइल की सतह पर सिंगल या डबल किसी भी स्टैंड में स्थित कटे हो सकते हैं। अगला है डबल कट फाइल में ग्रेड के अनुसार टीथ की संख्या भिन्न भिन्न होती है, जबकि सेकेंड कट फाइल की सतह पर प्रति इंच 35 से 40 टीथ कटे होते हैं। अगला है डबल कट फाइल का प्रयोग उसके ग्रेड के अनुसार प्रारंभ में अधिक मेटल काटने के लिए या फिनिशिंग करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, जबकि सेकेंड कट फाइल का प्रयोग जॉब के थोड़े मेटल को काट कर उसे शुद्ध साइज में लाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट में आगे है सिंगल कट फाइल अधिकांशतः स्मूथ या डेड स्मूथ ग्रेड का होता है, जिससे फिनिशिंग का काम बहुत अच्छा होता है, जबकि सेकेंड कट फाइल स्वयं एक ग्रेड में आता है जिसका प्रयोग मेटल का कम अंश काट कर जॉब को सही साइज में लाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अगला है डबल कट फाइल और सेकेंड कट फाइल में क्या अंतर। हम लोग देखते हैं डबल कट फाइल और सेकेंड कट फाइल का अंतर। डबल कट फाइल की समूची सतह पर पूरी लंबाई में दो तरफा अर्थात डबल डीप कटे होते हैं, जबकि सेकेंड कट फाइल की सतह पर सिंगल या डबल किसी भी स्टैंड में स्थित कटे हो सकते हैं। अगला है डबल कट फाइल में ग्रेड के अनुसार टीथ की संख्या भिन्न भिन्न होती है, जबकि सेकेंड कट फाइल की सतह पर प्रति इंच 35 से 40 टीथ कटे होते हैं। अगला है डबल कट फाइल का प्रयोग उसके ग्रेड के अनुसार प्रारंभ में अधिक मेटल काटने के लिए या फिनिशिंग करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, जबकि सेकेंड कट फाइल का प्रयोग जॉब के थोड़े मेटल को काट कर उसे शुद्ध साइज में लाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट में देखते हैं फ्लैट फाइल और हैंड फाइल में क्या अंतर होता है। फ्लैट फाइल के दोनों एज और फेस दो तिहाई अथवा 2/3 लंबाई तक समानांतर और उसके बाद 1/3 यानी 1/3 में टेपर होता है, जबकि हैंड फाइल के एज पूरी लंबाई में समानांतर होता है। अगला है फ्लैट फाइल के दोनों एज पर टीथ कटे होते हैं, जबकि हैंड फाइल के एक एज पर टीथ कटे होते हैं लेकिन दूसरे एज पर टीथ नहीं कटे होते हैं, जिसे हम सेट एज फाइल के नाम से जानते हैं। तीसरा है फ्लैट फाइल का द्वारा किसी फ्लैट अर्थात चौरस सतह को फाइल किया जाता है, जबकि हैंड फाइल के द्वारा 90° के एंगल वाले शुद्ध साइज को बनाने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट में है अब हम लोग पढ़ते हैं स्पेशल फाइल के बारे में। स्पेशल फाइल निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। नंबर एक में है मील फाइल, यह हैंड फाइल की तरह होता है, इसके फेस पर सिंगल कट कटे होते हैं तथा एज चौरस होता है। इसका प्रयोग लेथ मशीन पर जॉब की फिनिशिंग के लिए किया जाता है। नंबर दो में है रोटरी फाइल, इस फाइल का प्रयोग ड्रिलिंग मशीन तथा लेथ मशीन के चक में बांध कर किया जाता है। इसके द्वारा होल या सुराख का साइज बढ़ाया जाता है। इसका प्रयोग कास्टिंग जॉब के होल को साफ करने के लिए किया जाता है तथा टूल और डाई मेकर इन फाइलों का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। ये हाई कार्बन स्टील या सीमेंटेटेड कार्बाइड का बना होता है। इसका टैंक जो होता है गोलाकार में होता है, जिसे ही हम लोग ड्रिल चक में फंसा कर प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट में इसका फिगर से ये हमारा मिल फाइल है, जिसमें फिगर में दिख रहा है, मिल फाइल का फिगर है, ये पूरा स्क्रीन पे हमारा मिल फाइल ये दिख रहा है, जिसमें कि पूरा ये मेरा
समानांतर में बना हुआ है, यहाँ पे इधर भी समानांतर में है। अब नेक्स्ट में हम लोग स्क्रीन पे रोटरी फाइल का फिगर, अब ये जो स्क्रीन पे फिगर देख रहा है ये रोटरी फाइल है। अब इसी को हम लोग ड्रिल चक में, इसके ये जो टैंक है इसका, इसी को हम लोग ड्रिल चक में फंसा के फिर हम लोग लैथ मशीन पे या ड्रिल मशीन पे भी इसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। कास्टिंग किए हुए किसी जॉब के होल में अगर बर्ड्स है या कुछ भी है तो उसको साफ करने के लिए हम लोग इस तरह के फाइल का प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं नीडिल फाइल, ये बहुत ही बारीक ग्रेड का फाइल होता है। ये सेट में मिलती है, एक सेट में 6, 8, 10 या 12 फाइलें होती हैं जिनकी आकृति अलग अलग होती है। यह 100 mm से 200 mm लंबी होती है। इसकी टैंक गोल और नर्लिंग की हुई होती है। इसका प्रयोग बिना हैंडल के किया जाता है। इनका ग्रेड 0, 1, 2, 3 एवं 4 नंबरों में दर्शाया जाता है। इसका प्रयोग टूल मेकर, वॉच मेकर, गहने बनाने वाले आदि में किया जाता है। अब स्क्रीन पे देखते हैं निडिल फाइल का फिगर। अब हम लोग देखते हैं विभिन्न प्रकार के निडिल फाइल किस प्रकार का होता है, किस आकार में होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ये है हमारा राउंड एज फाइल। अब इस फाइल का प्रयोग बिना हैंडल के हम लोग करते हैं। इसे टैंक को ही पकड़ के हम लोग फाइलिंग करते हैं। टैंक को हम लोग नर्लिंग कर दिया जाता है जिससे कि पकड़ने में आसानी हो। अब दूसरा में दिखाया जा रहा है मेरा ये फ्लैट निडिल फाइल है। फ्लैट फाइल की तरह होता है लेकिन बहुत आकार में छोटा होता है। अब इसे हाथ से पकड़ के ही वॉच मेकर लोग या टूल मेकर लोग प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे टेपर है, फ्लैट टेपर, इस तरह से फ्लैट टेपर फाइल है ये। अगला है 3 स्क्वायर फाइल या ट्रेंगुलर फाइल, इस तरह का है। इसका ही प्रयोग हम लोग चाबी बनाने या वॉच मेकर लोग करते हैं। आगे हमारा है स्क्वायर फाइल, ये स्क्वायर फाइल हो गया। अब ये है राउंड फाइल। आगे नाइफ एज फाइल है, इस तरह का नाइफ एज फाइल होता है जो कि चाबी बनाने में प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। आगे है फीदर एज फाइल, इस तरह का फीदर एज फाइल बना होता है। आगे मेरा ये है क्रॉसिंग फाइल, ये क्रॉसिंग फाइल हो गया। नेक्स्ट में है बैरेट एज फाइल, बैरेट फाइल ये हो गया। आगे है मार्किंग। इस तरह से हम लोग निडिल फाइल के फिगर से समझे सभी प्रकार के निडिल फाइल का आँखों से देखने को मिला। और आगे हम लोग इस तरह से नेक्स्ट में अगला फाइल के बारे में देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं डाइस इंकर्स रिप्लर्स फाइल। इनकी आकृति टेढ़ी मेढ़ी होती है। इनका बीच का भाग प्लेन होता है जो हैंडल का काम करता है। इसका प्रयोग गहराई वाले स्थान पर किया जाता है जहाँ पर साधारण फाइल से काम नहीं कर सकते हैं। आमतौर पर डाई मेकर लोग इसका प्रयोग करते हैं। अब स्क्रीन पे हम लोग डाई सिंकर्स का, यहाँ पे दिखाया गया है डाई सिंकर्स का फिगर। ये मेरा डाई सिंकर्स फाइल है, ये सभी डाई सिंकर्स फाइल है। इसी के द्वारा हम लोग गहराई वाले स्थान पर इस तरह से यहाँ से फाइलिंग करते हैं। और ये हमारा कैंट फाइल है, नीचे पिलर फाइल, ये टिंकर्स फाइल का फिगर है ऊपर में। अब नेक्स्ट में देखते हैं, पिछले फिगर में हम लोग देखे थे कैंट फाइल का फोटो। इसका क्रॉस सेक्शन त्रिभुज आकार के होता है जिसका शीर्ष कोण 120 डिग्री तथा आधार का कोण 30 डिग्री होता है। इसका प्रयोग 60 डिग्री से कम कोण के स्लॉट या ग्रूव को फाइल करने के लिए किया जाता है। इसे बैरेट एज फाइल भी कहते हैं। पिछले फिगर में हम लोग देखा था कैंट फाइल का फिगर। अब नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं, पिछले पृष्ठ पे हम लोग पिलर फाइल का फोटो देखे थे। इसकी आकृति हैंड फाइल से मिलती जुलती है। यह मोटाई में टेपर और चौड़ाई में समानांतर होती है। हैंड फाइल की अपेक्षा इसकी चौड़ाई कम और मोटाई ज़्यादा होती है। इसकी लंबाई 150 mm से 200 mm, 250 mm तक होती है। इसका प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पर हैंड फाइल और स्क्वायर फाइल का प्रयोग नहीं होता।
आगे है प्रोसेसिंग फाइल। इस फाइल का प्रयोग हाफ राउंड फाइल की जगह किया जाता है। इसका प्रत्येक साइड कर्व वाली होती है, जिसे फिश बैक फाइल भी कहते हैं। नेक्स्ट में है टिंकर्स फाइल, यह आयताकार क्रॉस सेक्शन की फाइल होती है, जिसके केवल बॉटम सरफेस पे ही दांत कटे होते हैं। इसके टॉप पर हैंडल लगा होता है। इसका प्रयोग ऑटोमोबाइल सेक्शन में सीट बॉडी को ट्रिंकिंग करने के बाद फिनिश करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट में है क्रॉस कट फाइल, यह फाइल नाइट एज फाइल की तरह होती है, लेकिन इसका अधिक मोटाई वाला किनारा गोलाई में होता है। इसकी मोटाई समानांतर होती है। इसके द्वारा क्रॉस कट शाव को शार्प किया जाता है, यानी कि क्रॉस कट शाव को तेज किया जाता है। यह सिंगल कट में होती है। नेक्स्ट में है अब स्पेशल फाइल का नेक्स्ट बचा हुआ टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।